दोस्तों आज मैं आपको तीन अपडेट देने वाला हूं यस बैंक के ऊपर। पहली तो ये कि आज प्रशांत कुमार जी की अनिल सिंघवी जो कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हैं उनके साथ में बात हुई है। क्या बात हुई है यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और बीएसई की साइट पर यस बैंक में कुछ नए इन्वेस्टर के साथ में मीटअप हुआ है, उसकी डिटेल भी यस बैंक ने जो है एक्सचेंज को पब्लिश की हुई है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। और साथ ही में एक और अपडेट भी है यस बैंक के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। ये तीनों अपडेट को हम वन बाय वन देख लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वहां पर मैं काफी इंटरेस्टिंग चीजें पोस्ट करता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आ गया हूं बीएससी की साइट पर और यहां पर मैं टाइप करूंगा यस बैंक दोस्तों, और उसके बाद में इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने यस बैंक का स्टॉक जो है सामने आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके जाइए और यहां पर आप देख रहे हैं जहां पर अनाउंसमेंट लिखा हुआ है वहां पर 22 तारीख मतलब कल की डेट में शाम को कुछ पब्लिश हुआ है यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को। मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में यहां पर पीडीएफ का साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहां पर आप देखिए 22 तारीख को जो है यस बैंक की तरफ से एनएससी और बीएससी दोनों को ही कुछ कम्युनिकेशन जो है पास हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। क्या कम्युनिकेशन है ये चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीट, तो कुछ इन्वेस्टर से मीटअप की बातें यहां पर निकल कर आई हुई है। मतलब 22 सितंबर ट्यूसडे के दिन पे कुछ इन्वेस्टर से मीटअप हुआ है यस बैंक का, जिसमें से पहले जो इन्वेस्टर हैं उनका नाम है एवेन्यू कैपिटल ग्रुप एंड सेकेंड जो इन्वेस्टर का नाम है वो है स्कॉनफील्ड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर LLC। फिलहाल अभी डिटेल में नहीं बता रही है यस बैंक कि इनके साथ में जो मीटअप हुआ है उसमें क्या बातें निकल कर आई हैं, बट डेफिनेटली कुछ नए इन्वेस्टर से मीटअप हुआ है इसकी जानकारी उन्होंने एक्सचेंज को दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी खबर है इससे उनके शेयर प्राइस में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, और इसी के लिए ही उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक सिम ऑन रिकॉर्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों इसकी डिटेल निकल कर आती है इन दोनों इन्वेस्टर की कि क्या डील हुई है और क्या पूरी ये मीटअप्स निकल कर आया है, हम डेफिनेटली आपके सामने लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पहली खबर, सेकंड खबर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या बातें निकल कर आई हैं। दोस्तों सभी जानते होंगे कि SBI लाइफ के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए टाइप हुआ है यस बैंक का, बट साथ ही में HDFC लाइफ जो है उनके साथ भी पार्टनरशिप जो है सामने आ रही है यस बैंक की, वो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर। पूरी खबर क्या है थोड़ी सी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है HDFC लाइफ ऑन ट्यूजडे सेट टू हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद यस बैंक टू सेल पॉलिसीज टू द बैंक्स कस्टमर। ओके, HDFC लाइफ और यस बैंक लिमिटेड के बीच में जो एक पार्टनरशिप निकल कर आई हुई है, और क्या है पूरी इस पार्टनरशिप में चलिए देख लेते हैं। दोस्तों HDFC लाइफ की जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उसको यस बैंक के स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के साथ में इंक्लूड किया जा रहा है, और साथ ही में यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि उनको जो है प्रोटेक्शन के सॉल्यूशंस हो गए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गया, और क्रिटिकल इलनेस जो है इन सभी के बारे में जो है जो प्रोडक्ट देने की बात चली आ रही है। दोस्तों आगे क्या कहा? दोस्तों आगे ये कहा है कि अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है इंश्योरेंस कवरेज का, जहां पर लाइफ एंड हेल्थ प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। दोस्तों HDFC लाइफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुरेश बदमी जी, उन्होंने ये कहा कि वी एम टू ऑफर कॉम्प्रेहेंसिव सूट ऑफ द प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड द बेस्ट इन क्लास सर्विसिंग। जो उनके बेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं, उनको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं कस्टमर के सामने वो बातें कही जा रही है। विद द मिक्सअप ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कैसे
इन चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये भी कहा कि हम यस बैंक के साथ में क्लोजली जो है इस चीज को साथ में काम करेंगे और कस्टमर को सर्व करेंगे। और दोस्तों आगे भी उन्होंने इस चीज को और भी ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए वही चीज को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट को डिलीवर करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो ग्लोबल हेड हैं राजन पैंटल जी, उन्होंने भी यस बैंक की इस पार्टनरशिप को एक अच्छी खासी एक अच्छे नजरिए से देखा हुआ है। यस बैंक का जो ग्रोइंग कस्टमर बेस है और एचडीएफसी लाइफ का जो कॉम्प्रहेंसिव एक अच्छा प्रोडक्ट है, उन दोनों के मिक्सअप को लेकर उन्होंने एक अच्छी दिशा को बताया है और वो समझते हैं कि ये डेफिनेटली कस्टमर जो है उनके लिए काफी अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ से आप क्या समझते हैं, यस बैंक ने अभी जस्ट एसबीआई लाइफ के साथ में भी पार्टनरशिप की है और अब एचडीएफसी लाइफ के साथ में भी पार्टनरशिप की है। दोनों ही दिग्गज बैंक है। अगर हम बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी जो है प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है और एसबीआई गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इन दोनों के साथ में पार्टनरशिप डेफिनेटली उसकी इमेज पर फर्क करता है। यस बैंक में जो नॉर्मल कस्टमर है वो समझ पाएंगे कि कितना अच्छा एक ही अभी मजबूती के साथ में यस बैंक निकल कर आ रहा है, जहां पर एसबीआई के साथ में उसकी पार्टनरशिप हो रही है, एचडीएफसी के साथ में उसकी पार्टनरशिप हो रही है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अभी यस बैंक में सब कुछ ठीक हो चुका है, बट दिखाने के लिए हमको ये चीजें करनी पड़ती है कि नॉर्मल जो कस्टमर है कंज्यूमर है वो कैसे समझ पाए कि हाँ सब कुछ ठीक है। वो ऐसे ही समझ पाएगा जब ऐसे मीटअप होते हैं, जब वो देखेंगे कि हाँ एचडीएफ के साथ में एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, दोनों के लोगों सेम जगह पर एक सेम पेज में दिखाई देते हैं, तब एक भरोसा निकल कर आता है और तब धीरे धीरे करके चीजें ग्रो होती हैं। दोस्तों ये थी सेकेंड न्यूज, अब चलिए देख लेते हैं कि वो थर्ड न्यूज कौन सी है। दोस्तों आज जो है वो यस बैंक के एमडी और सीईओ जो प्रशांत कुमार जी हैं, उनका इंटरव्यू हुआ जी बिजनेस पर। अनिल सिंह जी ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी, ये बातें कही जा रही थी कि एसबीआई और यस बैंक का जो है वो मर्जर हो जाएगा, मर्जर होने वाला है। ऐसी बहुत सी अफवाहें, ऐसी बहुत सी चीजें निकल कर आ रही थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मार्च में जो सिचुएशन थी यस बैंक की वो तकरीबन डूबने वाली सिचुएशन थी और तब डेफिनेटली ये कई हद तक निकल कर आ चुका था कि एसबीआई के साथ में यस बैंक का एक विलय हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और उस टाइम पे ये काफी हद तक एक पॉसिबिलिटीज दिख भी रही थी। बट उस टाइम पे ये होते होते नहीं हुआ। आप बोल सकते हैं कि यस बैंक जो है अकेले ही उसने सरवाइव किया और इसी चीज को प्रशांत कुमार जी ने यहाँ पर क्लेरिफाई किया कि भाई अभी फिलहाल जो है कोई भी ऐसा प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में एसबीआई के साथ में मर्जर का, बिकॉज हमारे पास अभी फंडिंग की कोई कमी नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है यस बैंक एमडी सीईओ प्रशांत कुमार हैज सेड दैट There is no plan for SBI Yes Bank merger in near future. तो जो एग्जीक्यूटिव हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी जी, उनके साथ में इंटरव्यू हुआ था, सारी बातें उन्होंने कही और भी कुछ उन्होंने बातें यहाँ पर कही हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने वही कहा है कि मार्च 2020 में जब है ये बातें चल रही थी कि हाँ मर्जर हो सकता है, बट दैट टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी अच्छी खासी उनके पास में एक कैपिटल एक फंडिंग गेन हो चुकी है और अभी उनके पास ऐसी कोई भी फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर ऐसी कोई भी बात मर्जर की खबर अभी नहीं है। और फिर आगे जाकर प्रशांत कुमार जी ने कहा कि इन द लास्ट 6 months यस बैंक हैज मैनेज्ड टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स कस्टमर, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी इनके लिए कि कस्टमर का जो एक भरोसा है वो किस तरीके से गेन कर पाएंगे, बट डेफिनेटली उसमें काफी अच्छे से उन्होंने इस चीज को मैनेज किया और अभी तो हर महीने के ये 60,000 से ज्यादा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है और इनका एम 1,00,000 कस्टमर का है कि ये न्यू अकाउंट हर महीने खोलेंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड फॉर एसबीआई यस बैंक मर्जर नाउ। तो दोस्तों ये पूरी बात जो है कही है प्रशांत कुमार जी ने जी बिजनेस पर। और आगे फिर अनिल सिंघवी जी ने एक क्वेश्चन और भी पूछा प्रशांत जी से कि वाई क्यों आपने जो है 50,000 रुपए आरबीआई को वापस कर दिए टाइम से पहले, जो कि उन्होंने आपको मार्च के टाइम पे दिए थे। तो यहाँ पर कुमार सेड कि द मेन रीजन इज रिटर्निंग द आरबीआई मनी इज कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो है उन्होंने मेनली डेडलाइन से पहले ये 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं
जिससे कि जो यस बैंक के कस्टमर हैं और जो आना चाहते हैं उनके मन में एक विश्वास जागे कि अभी सब कुछ ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी जो है उसकी वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वी वर वेल कॉन्फिडेंट अबाउट द कंटिन्यूड लिक्विडिटी फ्लो इन टू द बैंक एंड हैंस वी रिटर्न द RBI SLF assistance ahead of the given deadline। दोस्तों प्रशांत जी को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस है कि लिक्विडिटी जो है वो अभी बरकरार रहने वाली है यस बैंक पर और यहाँ पर अभी ऐसी कोई भी फंडिंग की दिक्कत नहीं होने वाली है और मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दोस्तों आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है यस बैंक के बारे में इन तीनों बातों को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।